हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से इस क्लास के पास हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। क्या है क्वेश्चन? द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। किसी दो नंबर की बात कर रहा है और वो दो नंबर क्या हमें पता नहीं है और बोल रहा है डिफरेंस दे रखा है। तो जब डिफरेंस है इसका मतलब एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या होता है? समथिंग माइनस समथिंग इक्वल्स टू समथिंग, इसी को डिफरेंस बोलते हैं। इसका मतलब एक नंबर छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा, और यहाँ पर वो नंबर क्या हमें पता नहीं है, है ना। तो हम मान लेते अपने पास एक नंबर को छोटा, एक नंबर को बड़ा। तो हम लिखेंगे अपने पास, लेट द स्मॉलर नंबर लिख लेते हैं। तो एक मान लेते हैं, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड द लार्जर नंबर एंड द लार्जर बी वाई। आप यहाँ पे स्मॉलर नंबर को वाई भी मान सकते हो और लार्जर नंबर को एक्स भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट हाँ, एक नंबर को स्मॉलर और एक नंबर को लार्ज तो मानना ही पड़ेगा। तो स्मॉलर नंबर और लार्ज नंबर, तो हाँ ठीक है, तो दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है। तो दो नंबर हमारे पास आ गया, स्मॉलर और लार्जर, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो जो बड़ा नंबर होगा वो पहले आएगा, तो हम बोल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक बात तो क्या बोल सकते हैं, एक बात तुम ये बोल सकते हैं ना कि भाई लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना गिवन है क्वेश्चन में हमारे, 180 गिवन है, पहला बार। फिर क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज तो इक्वल्स टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, डैट मीन्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y आ गया, ठीक है। तो इसे अगर इक्वेशन आप फर्स्ट मान लो तो आप लिख सकते हो एक चीज़, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमें दिख रहा है, तो इस जगह हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y अगर पुट कर दें तो हमारा काम बन सकता है। तो आप लिखोगे क्या, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट करते हैं, पहले तो जो इक्वेशन हमारे पास है उसको हम लिख लेंगे, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना है 8y, तो एक्स स्क्वायर के लिए कितना आ जाएगा 8y आ जाएगा, और मैं माइनस 180 को भी इधर कर लेता हूँ तो कितना हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180। करना होगा इसका फैक्टराइजेशन, तो जो सिंपल समझ में आ रहा है 18 इंटू 10 कितना हो जाएगा 180, हो गया 180। तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, माइनस 18y प्लस 10y, भले ट्राई करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 180 स्क्वायर, और इसे सॉल्व करने पे माइनस 8y नेट हमारे पास आ जाएगा, तो इसका मतलब वो सही है। बाकी जो नंबर है अपने पास एज इट इज़ आर, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा y, तो y लिख लिया माइनस 18, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 10, तो 10 लिख लिया, बचा क्या y माइनस 18। तो क्या आ रहा है यहाँ पे y माइनस 18, और क्या आ रहा है y प्लस 10 आ रहा है। तो एक तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, y प्लस 10 इक्वल्स टू y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो एक आप बोल सकते हो क्या कि y आपके पास आ गया एक तो 18, और y क्या आ गया आपके पास माइनस 10। हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द टू नंबर्स। तो देखो y का दो अलग वैल्यू आ रहा है, एक बार पॉजिटिव का 18 और माइनस का 10। तो हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो एक सिंपल इक्वेशन मेरे पास जो ये है इसमें पुट कर सकते हो, आप इसमें ही पुट कर सकते हो, बट उससे सिंपल इक्वेशन ये है तो इसमें ही पुट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक बार पॉजिटिव वैल्यू 18 ले लेते हैं, तो 8y की जगह पुट करते हैं, तो 8 इंटू 18 कितना हो जाएगा, टेबल याद है किसी को, 8 8 जा 64,
और 8 × 8 640, तो 144। और दूसरी बार y को हम -10 पुट करके देख लेते हैं, तो क्या होगा भाई, 8 × -10 जो कि -80। तो एक बात आप ध्यान दो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर मेरा -80 आ रहा, और ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर आपके पास माइनस में नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन तो नॉट पॉसिबल, तो ये तो का नहीं होगा। अगर ये नहीं हुआ तो हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि y क्या हो जाएगा, 18 लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे हमारे ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर 144 आया है, तो यहाँ से x फाइंड करना होगा, तो x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। इसका मतलब ये हो गया, y तो आपको लेना पड़ेगा 18, तो y 18 नहीं लोगे, x आपका क्या तो प्लस का 12 या माइनस का 12, ठीक है। तो y यहाँ पे -10 पॉसिबल नहीं है, y का आपका 18 वैल्यू हो सकता है, और x का प्लस माइनस +12 या -12 हो सकता है। तो नंबर जो कहा गया था वो नंबर फाइंड हो चुका, ठीक है, बात समझ में आता है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, एक दो बार वीडियो को कंसंट्रेट होकर देख लें, बिल्कुल समझ में आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।